हेलो दोस्तों, वेलकम टू टारगेट 91 यूट्यूब चैनल। हम देख रहे हैं एमपी जीके के 1000 इंपोर्टेंट एमसीक्यूज जो कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अभी तक हमने लगभग 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये वीडियो का 5वां पार्ट है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे वीडियो विजिट कर सकते हैं। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? मंडीदीप, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर 50 टेम्पो का कारखाना स्थापित किया गया है? पीथमपुर में। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध जलप्रपातों में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बोकरा। मध्य प्रदेश के किस नगर का प्राचीन नाम अवंती है? उज्जैन। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष क्या है? बरगद। कर्मा नृत्य किस जाति से संबंधित है? गोंड। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रज भाषा नहीं बोली जाती है? दतिया। इसका मतलब है मुरैना, भिंड और ग्वालियर में ब्रज भाषा बोली जाती है। मध्य प्रदेश के किस पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान का प्रशिक्षण दिया जाता है? सागर में। भगोरिया नृत्य किस जिले के आदिवासियों का है? झाबुआ। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें बुंदेली भाषा प्रयोग नहीं की जाती है? रीवा। मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन किससे संबंधित है? ये सभी। इसका अर्थ है भारत भवन ललित कला, प्रदर्शनकारी कला और साहित्य से संबंधित है। मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन क्या है? विशाल सभागृह। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1981 में। मध्य प्रदेश में ऐश बाग स्टेडियम कहाँ स्थित है? भोपाल। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है? चंदेरी।
मध्य प्रदेश में किस नदी पर बोधघाट जल विद्युत परियोजना स्थित है? इंद्रावती नदी। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान से संबंधित थे? कर्नाटक। देवास। अगर इस सीरीज में किसी भी प्रश्न में त्रुटि हो तो प्लीज कमेंट कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, आदिम जनजाति कोरकू मध्य प्रदेश के किस भाग में मुख्यतः पाई जाती है? दक्षिण। मध्य प्रदेश में पुलिस संभागों की संख्या कितनी है? 14। अगर आपने 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमपी जीके के वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप विजिट कर सकते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वे वो ही क्वेश्चन लिए गए हैं उस सीरीज में जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो कृपया आप उन्हें भी विजिट कर लें। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कहाँ स्थापना की गई है? भोपाल। मध्य प्रदेश में दो विश्वविद्यालय स्थापित हुए जिनमें से एक भोपाल में है, दूसरा किस जिले में है? सतना। सतना में है ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय जिसका पूरा नाम लगभग कुछ ऐसा है, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट ऐसा कुछ है, आप सर्च कर लें। मध्य प्रदेश का राज्य दिवस वर्ष के किस दिन मनाया जाता है? एक नवंबर। मध्य प्रदेश के मानचित्र पर समवर्षा रेखाओं की बनावट किस प्रकार की है? मोड़दार। मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश का प्रकाशन कहाँ से होता है? भोपाल। मध्य प्रदेश का पिन कोड किस अंक से प्रारंभ होता है? 4। इस प्रकार आज हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। बढ़ते रहिए आप। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। ऑल द बेस्ट। आप होंगे कामयाब।